वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल। टुडे वी विल सी चैप्टर 3। दिस वन यू कैन सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई विल टेल यू अबाउट हाउ ए सब्जेक्ट गेट्स एग्रीमेंट विद अ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी विल सी एक्टिविटी 6। फिल द ब्लैंक्स विद और 2+ वर्ब और 0+ वर्ब और वर्ब एंजी। सो यू हैव पैटर्न 3 पैटर्न्स अदर 2+ वर्ब और 0 इन्फिनिटिव लाइक दिस और वर्ब एंजी फॉर्म। सो व्हिच वन बी एप्लीकेबल एंड टू बी फिटेड और टू बी एप्लीकेबल और टू बी फिलिंग इन द गैप दैट इज टू बी व्हाट पुट इन। ए नंबर आई एंजॉय डैश प्ले ऑन द रिवर बैक। I enjoy play on the river bank. So here, look at the verb enjoy. This one is your verb. This is your finite verb, right, children? This one is your finite verb. Okay. This is your finite verb. F verb. And I have told you some verbs are there which always take ing form. Those are like enjoy, mind, and stop. Okay, enjoy, mind, and stop. These are some of the genuine verb that take and always take verb ing form in non-finite verb. Okay. So here, as it is a point, that kind of verb which always follows ing form. That means play will be here playing. What the play word will be written as playing. Okay, I enjoy playing like this. PLAYING. Right, children? Got to know that? So your answer is I enjoy play a game on the river. That this is the correct answer. मुझे पहले अच्छा बने ताला ये finite verb आसला आओ enjoy परे भार मु कोई तली कौन आते बो enjoy परे जब रे stop परे enjoy परे आओ mind परे verb ing आसी हेलो अच्छा बने ताला एम दिखा ये है गला। Coming back to the next one. If you see the next one children, this is B. Where do you want dash go? So this verb, this go verb, whether it will be ing form or 2+ verb, and it will depend upon the non-finite verb. So you want, what is your finite verb? If it is a finite verb, it is your finite verb, then after what will happen? It will take 2+ verb. This one will take 2+ verb. What children? 2+ verb. That means this go will turn to go. I want to go. Hello? I want to go. Not going, neither only go. Okay? I want to go means where do you want to go? Where do you want to go? Why this one? Because want is finite verb. They take 2+ verb. 2+ verb. हेलो ना कहूँ ना। वन कोटे एम्प्टी फाइनेट बॉब जैसे तुम और नॉन फाइनेट बॉब को टू के नहीं है, राइट? नंबर सी, आई लॉन्ट मो जाने को पहले, आई लॉन्ट स्विम व्हेन आई वाज 8 इयर ओल्ड। ताला मो जेतर है 8 वर्ष रात थी सेते बड़े हैं मो, हेला कौन सीख ली छो मैंने स्विमिंग सीख ली। आई लर्न टू स्विम हो ना ए भाई ये डिपेंड करबो ये आई एनजी बेसी पर है लर्न स्विमिंग आई लर्न टू स्विम ताले हम एटा को 2+ भर कर देला देख छो मैंने एटी मु ताले 2+ लर्न रे कह गे ता 2+ भर कर रे मु कोन लिख बैठी या को लिखो 2+ वर्ब
किसी का देख तो आईनजीवी लोक जानते टू प्लस बब इयर इम्पोर्टा हम टू स्विम एस डब्ल्यू आई आई लर्न टू स्विम है छा मैंने एम टाक मुझे कम्प्लीट कर दिए व्वेन आई व्वाज एट इयर ओल्ड व्वेन आई व्वाज एट इयर ओल्ड है छा मैंने नेक्स्ट डी नंबर आई एम ट्राइंग डैश स्टडी प्लीज स्टॉप डैश एवं टू एज ए ट्राए भर्बा छुआ मैंने ये फाइनाइट भर्ब दिस नॉट योर फाइनाइट भर्ब आ ट्रय भर्बा कौन करे इट ऑलवेज टेक फॉर्म ओके चिल्ड्रेन ये है तुम दिस इज योर फाइनाइट भर्ब फाइनाइट भर्ब आ ये कौन लिए टू प्लस भर्ब नहीं है ये है ट्राए सर्वदा टू प्लस भर्ब है ना छो मैंने तेल ये कौन हम टू स्टडी हम कौन छो मैंने टू स्टडी है ना आई एम ट्राइंग टू स्टडी नहीं कर ना एवं नेक्स्ट बार ट्राई देख छो मैंने प्लीज स्टॉप टॉक ये टू प्लस भ हम ना आईएनजी आसब एठार ये आईएनजी आसीज डिपेंड कर नॉन पॉइंट वर्ब कम अच्छे नॉन पॉइंट वर्ब स्टॉप अच्छे है ना नॉन पॉइंट वर्ब स्टॉप तर स्टॉप पर आम आईएनजी लगे ये है तुम नॉन फाइनाइट वर्ब है फाइनाइट वर्ब है ये है तुम फाइनाइट वर्ब तर नॉन पॉइंट वर्ब कौन हम आईएनजी लगे ये कौन हम आईएनजी है छो मैंने तेल ये आसब कौन छो मैंने भि आईएनजी फॉर्म होना छो ताले मु एटा लिखि पारबि टॉकिंग सॉरी टॉकिंग लिखबी कौन टॉकिंग टॉकिंग है छो मैंने टॉकिंग नेक्स्ट को देखा ये है ई नंबर ई नंबर इज आई डू नॉट माइंड है ना आई डू नॉट माइंड माइंड पर मुझे कौन कहते बब नॉन पेनेटा आईएनजी लग यार तो कौन ट्रावेलिंग है छो मैंने ये है तुम फाइनाइट बब दिस वन इज योर फाइनाइट बब है छो मैंने सो नॉन पेनेट बब कौन बताले आईएनजी ये भी आईएनजी फॉर्म हो यार तो ट्रावेल रे आईएनजी लग छो मैंने ट्रावेल रे आईएनजी लग ट्रावेलिंग है छो मैंने आई डू नॉट माइंड ट्रावेलिंग एमती माने न जाने की भी करपर छो मैंने नहीं बट आई प्रिफर मैंने चयन करवा दुईटा मध्य है ना आई प्रिफर ट्रावेल बाय ट्रेन एवं कौन हम प्रिफर पर सर्वदा छो मैंने टू प्लस वर्ब आसे है ना प्रिफर जदि या वर्ब करी या फाइनाइट वर्ब नेबी ताले ये कौन हम ये कौन नब छो मैंने टू प्लस वर्ब नब टू प्लस वर्ब नब यार तो है टू ट्रावेल हम कौन बच्चा मैंने टू ट्रावेल हेब है आशा करे छो मैंने बुझी पार आई डू नॉट माइंड ए ट्रावेलिंग आई डू नॉट माइंड ट्रावेलिंग बाय बस बस रे जीवा मोर प्रॉब्लम नहीं बट आई प्रिफर टू ट्रावेल बाय ट्रेन मु ट्रेन द्वारा जीवा ट्रावेल करवा पसंद करे ओके चिल्ड्रन गॉट दैट नेक्स्ट वन सी वुड और नॉट बी सी वुड नॉट लेट मी रीड दि नाउ डियर स्टूडेंट लेट मी टेल यू दिस आर सम ऑफ द वर्ब एंड आई ऑलवेज हैव टोल्ड यू इन योर दोज वर्ब लिस्टेड ओके आफ्टर दोज वर्ब यू हैव टू यूज जीरो इन्फिनिटिव ओके आई थिंक यू हैव द दोज वर्ब वेयर आर द दोज वर्ब दिज वर्ब लेट यू कैन सी लेट मेक हेल्प हैव सी योर वॉच नोटिस दिज वर्ब आर सेड टू बी यूजिंग विदाउट मैंने जीरो इन्फिनिटिव विदाउट टू और आईएनजी ओके चिल्ड्रेन सो इन द सेंस लेट इज जा इफ लेट इज जा लुक एट योर चिल्ड्रेन दिस इज लेट दिस इज दैट वर्ब व्हिच provide you no
ing form or not 2 plus verb. That means you will repeat this word only without making ing or 2. Okay, so let me read the letter. Okay, children, got that? मते यहाँ पढ़ा को दियो जी नंबर दिस इज योर जी नंबर गुड बाय आई होप सी यू सून एवं छुआ मैंने हप्टा गोटे फाइनाइट भव आउ ये फाइनाइट भवटा सर्वदा नॉन फाइनाइट भव को टू रे नब छुआ मैंने टू प्लस भव रे नब अब सेटे भी लिखाई थी हेला छुआ मैंने कौटी लिस्ट रे तुम्हें देखो ये टू प्लस भव नब ताले एटे आम आराम से लिखी पार्बू टू सी लिखी पार तो मैंने कह वेयर डज दिस वर्ब गेट एग्जिस्ट दिस वन ये विल सी हप इज समवेयर रिटन हियर ए मानक मधुर देख ये है तुम हप है चौना ये पार्क आम समस्त पार्क पर आम टू लगे रईट छो मैंने से हिसाब से आंसर हम तुम कौन हम एठार ए सी हम है गुड बाय आई होप टू सी यू सून आशा करे तुमको बहुत पर शीघ्र देखा ओके सो एक्टिविटी सिक्स फिनिश्ड जदि कौन से पिला को बुझे हो ना तले प्लीज राइट इन दि कमेंट बॉक्स यू आर ऑलवेज वेलकम टू राइट इन दि कमेंट बॉक्स ओके चिल्ड्रेन नाउ गो टू दि नेक्स्ट वन This is your next one, children. Activity 7. While we will be doing activity 7, I will put my request to you that you always should be attentive, okay, to listen to what I am saying. And have a piece of paper, and it will be better if you have your practice paper and pen. Because the important note that I will tell you will help you in the future. And that will also help you dig hard. Fill in the blanks with 2 plus verb or 0 infinitive using verb in the vector. So you have the two patterns, hello? 2 plus verb or 0 plus verb, hello? Or verb ing you are not given, same like that. Okay, so 2 plus verb or So we are asked to use 2 plus verb, 2 plus verb or verb without infinitive, means without 2 or ing. So verb given a climb, do, go, cry, clean, and name, walk or laugh, sleep, these are the verbs, right? Past sentence to be scrutinized, to be put into line, to be highlighted is, he is very funny, somebody is very funny. He makes me, that means who makes me? This man, hello? He makes me dash. If this is funny, he makes me, this is your finite verb, this verb will be go at zero infinitive. Right, children? Hey, Jagata, kya sabo? A zero infinitive? Tala say that the mojaria look or the outside mother mojakolum, hello? Make me what? Dekwa? Climb to korbanai, utakore banai. डू करब ना क्राए काना कर क्लीन करब ना काम आसवा भी करब ना वाक करब ना लाभ लाभ कर हसा कर मेक मी लाभ विदाउट ये आसब ताले ये आसब तुम लाभ एल ए यू जी लाभ हो छो ना बुझी पाईल सो दिस वन योर काम ए ये तुम एसीगला राइट चिल्ड्रेन है आउ जेहेतु यही भाव पर कौन कौन अच्छ मैंने जीरो इनफिनिटिव आसवे है ना जीरो इनफिनिटिव सत्तीटा कथली भल आस नेक्स्ट वन टू बी टेकन द नेक्स्ट सेंटेंस इज ए ही इज वेरी फनी सॉरी बी प्लीज स्टे विथ मी प्लीज स्टे विथ मी प्लीज स्टे विथ मी आई डोंट वांट यू डैश So, you are asking somebody to stay with you and you don't want that man to what? Go. So, here your finite verb is want. You can see children, your finite verb is want. This is your
finite bob. If this is your finite bob, then 2 is believed to be there. 2 plus bob is the important thing to be said. Right, children? Then what? Then the verb that will come, the verb that will come will take 2 plus 2. Right? So let's see which verb that will come. Please stay with me. Means somebody is asking, requesting to stay with her or him. I don't want you to go. Means he doesn't want that person to go. That means which will go, word will be better. Right? This one will be better. Okay? So I don't want you to go. Here I will write to go. Okay, children? To go. So this one will be answer. B is your this one. Right? This one is your B. Okay. So coming back to the next one, children. Like C. This is your question number C. This one also will be scrutinizable. Hello? Will be made you to understand well. Will be made to understand well. Do you want to go on a picnic? Go on a bicycle? Tome bicycle jibaku chahko. Somebody is asking if that person will go on a cycle. Then he or she is saying no. Let's dash. So he is not interested to go on cycle, right, children? Say cycle re jibaku ready no pasat no hai. So let's dash. Let's tale cycle jibaku chahu nahi tale se chale jibaku pasand korthu hela climb korbo to asbo nahi do to korbo ko asbo nahi kintu etke decide kara plan let pore bar kon asbo let pore bar asbo sarboda kon plan hela na sidha tumara asbo plan bo. Right? So, average co verb task, which verb will be taken? Your verb to be taken is, as here you can see, you want somebody is asked to go on, whether he will go on a cycle, then let's go on, let's walk. So, walk will be your better word. Hello? Now, yeah, zero infinitive. Yeah, zero infinitive. ବାକ୍ ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ ଆଶା କରେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରୁ ଅଛ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଛୁଆମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ଦିଅ ହେଇଗଲା ନା ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ବି ଡିସ୍କସ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡି ନମ୍ବର ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଟୁମୋରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଡୋଣ୍ଟ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଟୁମୋରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଉଠ ନାହିଁ ହେଲା Let me dash for some more time. Don't wake up tomorrow morning. Let me dash. Tale kali mate uthau nahi. Let verb finite verb asigala tale yar to non finite verb kon ho zero infinitive asbo. Hela na? Zero infinitive asbo. Right chamane? Eta tumar finite verb asigala your finite verb is this one. Okay, if this one is a finite verb, then this one will take na? Zero infinitive. Okay, children, zero infinitive. So your sentence is saying about what? It's saying about that somebody wants, does not want to be woken up. Okay, ei jone uthiba ko chahunanti kouchanti kon je mate kali uthani hela au tike mate soiba ko let me sleep. ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଉଠାଉ ନାହ ଉଠାଇବାକୁ ସେ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଉଠାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋ ହି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ସୋ ଆଫ୍ଟର ଲେଟ୍ ୟୁଆର ବାର୍ ୱିଲ୍ ବି ଜିରୋ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ସୋ ସ୍ଲିପ୍ ୱାର୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ୟୁଆର ବବ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଓକେ ଏଠି ହେଇଯିବ ତୁମର ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖ ମାନେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସ୍ଲିପ୍ ଓକେ ସ୍ଲିପ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ବର୍ବ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଡି ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ତୁମର ଡି ଓକେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱାକ୍ଟା ତୁମର ଆସିଥିଲା ସି ୱାକ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ସି ନମ୍ବର ଏ ଆଇ ହେଲ୍ପ ମାଇ ବ୍ରଦର
dash this room. I help my brother dash this room. So your verb, finite verb is help. Help is your finite verb. This one is your finite verb. When help is finite verb, then it is very important to use non-finite verb as what? As zero infinitive. As zero infinitive. So children, here we will use zero infinitive form, right? Or without to or verb and the form. So which one will be useful here to be used? I help my brother dash this room. A room ko mobile ko kon ko bare help karli clean safa kar bare better ho kai kaam to asi parbo nahi hiwar to asi parbo nahi crime to hei parbo nahi crime mu bhai ko kanda kore te help ko seta bhi hobo nahi tale clean korte mu help kar par clean hela chona tale ye puni zero infinitive re jibo clean he jibo kon bacha mane anchinoya clean hegla chha mane ye hobo clean hobo yaro answer so your E answer is clean. So this is your E. Okay, children. So next one, next sentence is F. Talk quietly. Somebody is requesting to talk quietly. I don't want anyone dash me. So somebody is saying that he somebody requesting that he talk quietly. Somebody requesting to talk quietly. So he doesn't want to be disturbed. Hella, I don't want anyone dash us. So they do not want anyone to what? Listen or hear. Here is the main word to be used. Okay. Tale eti to hear asbo. Final verb dekhi chha mane. Hella, I do not want. I have told you this is your finite verb. And this finite verb take what? 2 plus verb. This one take 2 plus verb. So your answer will be here. To here. I don't want anyone to hear us. So this one is will your answer. Will be your. Okay, children. So don't want I do not want anyone to hear this. We persuaded our teacher to move somebody, hello, or encourage somebody to do something. Okay, we persuaded our teacher dash with us. All what about the word remaining? F number is your here. You can write your here. G number. We persuaded our teacher dash with us. What? Come. This one will be answer. Look at the password. This is your finite verb password. If this one is your finite verb, then the verb takes 2 plus verb. Okay? 2 plus verb. That means here the come will be here to come. Come will be here to come. Lacha mane to come ethare hebo to come. Okay, children, answer he gala. Last time dekhba. Ebe I saw him dash over the wall. Motaku kanthore dash korbar dekhichi. Ebe sobu sori gala cha mane era na क्लाइम हो तले आउ तो उपाय नहीं तले टी क्लाइम ही है वो है ना कि तुमको कहा है जो फाइनाइट बात होती है ये फाइनाइट बात असला ताले सी भर पर वाट प्लेन रही हुआ है ना अच्छा ना प्लेन रही हुआ यार तो यहाँ ला ये कौन ला जीरो इन्फिनिटिव ना वो राइट तले ऐसे कौन है वो क्लाइम कौन है बच्चा मने क्लाइम ठीक है ला बुझेगा अच्छा मने ऐसा करे बुझी पाई अच्छा ना आई होप यू हैव गॉट दैट बुझेगा ना एक सब जमीका नॉन फाइनाइट आकार ये बार आसला ये आकार एमतिका है ना ये फाइनाइट बार आसला नॉन फाइनाइट बार एमतिका हम ठीक है ना
एगा सब गोटे गोटे तुमको कहीदे आए फाइनाइट बार नॉन फाइनाइट बार ये एमती कह हेना ना मीनिंग आकार भी तो जानी हे ना यू कैन गेट टू द मीन आंसर गोइंग फॉर द मीनिंग ऑल्सो नहीं गला आशा कर छ मैंने बुझी पार नहीं ना आ को छाड़ी एटा है तुम एच है तुम क्लाइंट एच एच है ये है तुम क्लाइंट नहीं ना को तो आम छाड़ी ना सब शेष कर दे गला छो मैंने